मैंने दोस्तों अजीजों जीसस लिंक के सुनने वालों एल्फ्रेड गेल आर्मी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 209 शो और टॉपिक है सच्ची और अच्छी बातें, क्योंकि इन्हीं बातों के वजह से हम सब जानते हैं कि सच्ची बात कौन सी है, अच्छी बात कौन सी है, बुरी बात कौन सी है, ये बात करनी है, ये काम नहीं करना। तो इसलिए मैंने आज का टॉपिक रखा है सच्ची और अच्छी बातों के साथ आप सबके सामने। जो रोज मेरा शो है वो यही है, सच्ची और अच्छी बातें। तो सबसे पहले तलावत कलाम पाक, तो आज का हवाला लिया वहज की किताब, उसका चार बात और उसकी चार आयत पढ़ूंगा। तब मैंने फिर कहा उस तमाम जुल्म पर जो दुनिया में होता है, नजर की और मजलूमों को आंसुओं को देखा और उनको तसल्ली देने वाला कोई ना था। बिल्कुल पाक कलाम की बात है। इसका मतलब है कि पुराने दौर से ही लेकर जब सुलेमान बादशाह ने ये किताबें लिखी, हिकमत की किताबें लिखी, तो उसमें इसका बहुत जगह पे जिक्र आता है कि जुल्म उस वक्त भी इंसानों पर होता था, अमीर आदमी गरीबों पर जुल्म करते थे, उनको तसल्ली देने वाला कोई नहीं था और उन पर जुल्म करने वाले जबरदस्त थे। आज के दौर में भी जुल्म करने वाले जो जबरदस्ती हैं, क्योंकि उनको किसी किस्म का खौफ नहीं होता, इवन कि वो खुदा को भी खुदा नहीं समझते, वो खुदा के खौफ को भी नहीं मानते, वो सिर्फ अपने आप को ही खुदा समझते हैं। तो इस वजह से बहुत खूबसूरत हवाला आज का। तो बस मैंने मुर्दों को जो आगे मार चुके हैं, जिंदों से जो अब जीते हैं, ज्यादा मुबारक जाना। बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात पाक कलाम की, जिसने बल्कि दोनों से नेक बख्त है वो जो अब तक हुआ ही नहीं। सुलेमान बादशाह कहते हैं कि वो जो इस दुनिया में आया ही नहीं वो ज्यादा खुशबख्त है, वो ज्यादा खुश है, इसलिए कि अगर वो इस दुनिया में आता तो यही कुछ देखता, झूठ नाफकत की बातें। तो इस वजह से वहस कहता है कि जो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ वो बहुत अच्छा है, सबसे बेहतर है। तो जिसने बुराई दुनिया में होती नहीं देखी, जो पैदा नहीं हुआ उसने इस दुनिया की बुराई नहीं देखी, जाहिर जो इस दुनिया में आए नहीं, जो इस दुनिया में आएगा तो ये सारी चीजें दुख मुसीबतें जो कुछ गमी खुशियां सब उसको उसके दामन में आएंगी। तो आज के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का शो मैं शुरू करता हूं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आज का शो है सच्ची और अच्छी बातें, शो है 209। तो सबसे पहले जॉन मंटो साहब जो फिलाडेल्फिया में है बहुत कुछ लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं समझता हूं कि दुआ के अमल में दुआ या जुमले की नहीं, बहुत अच्छी बात है, समझने वाली बात है, मैं समझता हूं कि दुआ के अमल में दुआ या जुमले के नहीं बल्कि मांगने के फजल की अहमियत होती। बिल्कुल ये सच्ची बात है, और मांगने में मिन्नत होती है, एहसास बेबसी होती है, नदामत होती है, रिकियत होती है, और जिससे मांगा जाए उसकी अजमत का एहसास होता है। किससे मांगते हैं? सही मानों में तो हम उस खालिक हकीकी से मांगते हैं, और मांगने के लिए हमें बहुत कुछ उसके साथ बातें करनी पड़ती हैं, दुआ मांगने की पड़नी चाहती है जिसमें उसका फजल शामिल हो जाता है, और हमारी बहुत सारी मिन्नतें होती हैं। जाहिर है जब दुआ मांगते हैं तो कोई ना कोई मकसद तो जरूर होता है हमारा, और जिससे मांगा जाए
उसकी अजमत का, बिल्कुल हम उसी जितनी बड़ी शख्सियत खुदा है, खुदा बाप खुदा बेटा, उससे बड़ी तो कोई शख्सियत नहीं। लेकिन हम दुनियावी तौर पर भी देखें तो हम जो बड़े लोग अमीर लोग जैसे मैंने हवाला पढ़ा, हम उनके सामने भी जाके मिन्नतें करते हैं, साई हमारा ये मसला है ये है, तो वो थोड़ा बहुत झोली में डाल देता है। लेकिन अगर हम उस खाल के हकीकी से मांगे तो हमें कोई शर्म महसूस नहीं होती, कोई हाथ ठीक है तर्जीमन हम हाथ जोड़ते हैं, दुनियावी तौर मिन्नत नहीं करते या दुनियावी तौर पर बंदों के पाँव में नहीं पड़ते, लेकिन जो हकीकी दुआ करें दिल से करें तो वो जरूर सुन देता है। बहुत अच्छा जान मंटो साहब। उसके बाद आम आदमी, चीजें बदल जाती हैं, बिल्कुल ये ठीक बात है, चीजें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि दोस्त बदल जाते हैं। वाकई दोस्ती सिर्फ मतलब की रखते हैं, जब देखा कि सारे मसले हल हो गए तो फिर तू कौन और मैं कौन, दोस्त बदल जाते हैं, मकाम बदल जाते हैं, तो ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है, मकाम बदल जाते हैं बहुत सारी चीजों की मजबूरियों की वजह से। तो हकीकत हकीकत बदल जाती है, जो हकीकत होती है असलियत होती है वो भी बदल जाती है, या हकीकत झूठ में भी बदली जाती है जैसे आजकल होता है, तो हकीकत को बदल देते हैं। इंसान इंसानी रंग और रूप बदल जाता है, इंसान दूसरे नजरिए से ले तो इंसान अगर आपको जरूरत है तो फिर वो अपना रंग और रूप बदल जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने मदद कर दी तो मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन रब्बे ताला कभी नहीं बदलता। जो पहले जान मंटो ने बात लिखी कि रब्बे ताला खुदावंद करीम कभी नहीं बदलता, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो खुदा है, कुल दुनिया का खालिक और मालिक है। अगर वो भी बदल गया तो फिर तो हमारा सारा ईमान जो कुछ भी है वो खत्म हो जाएगा। हम इतने दुख मुसीबतें उठाते हैं, मुश्किलें उठाते हैं, लेकिन जाते उसी के पास है, क्योंकि हमारा पुख्ता ईमान है कि वो नहीं बदलेगा। अगर उसकी नजर पड़ गई, हमारी दुआ उसके दर तक पहुंच गई, उससे सुन लिया, उसने हाँ कर दी, फिर वो हाँ पक्की है, वो इंसानी हाँ नहीं, वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन रब्बे ताला कभी नहीं बदलता, वो आज भी इतना ही रहीम और करीम है, वो आज भी इतना ही रहीम और करीम है और प्यार करने वाला, वो प्यार करने वाला है, क्योंकि वो रहीम करीम कहर करने में धीमा और रहम करने में बहुत बहुत अफसल है, तो बहुत अपने बरकते फजले हमें नवाजता रहता है। तो इस वजह से हमें हर वक्त कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी से मांगे, उसी के पास जाएं, क्योंकि वो हमें मायूस नहीं होने देगा। इसके बाद एरिक गिल साहब यूएसए में मेरे दोस्त गिल भाई, तो वो लिखते हैं मजबूरियां जब कुर्बतों के रकीब बन जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत दो अच्छे शेर लिखे उन्होंने, मजबूरियां जब कुर्बतों की रकीब बन जाए तो मोहब्बतों के फासले दूरी हो जाते हैं। जब मोहब्बतों के मोहब्बतें ही आपकी रकीब बन जाए, आपके जो मसले हैं उनके आड़े आ जाए तो मोहब्बतों के फासले बहुत वसी हो जाते हैं, जो मोहब्बत है वो कम हो जाती, मतलब यही है कि फासले बहुत बढ़ जाते हैं। तूरे तजल्ली दिखाया तूने मूसा को ऐसा कमाल, वो तो आपको पता है पहाड़ का नाम तूर है जिस पर मूसा उसके पास जाता था, जैसे 10 हुक्म लेने के लिए गया था, तो तूरे तजल्ली में दिखाया तूने मूसा को ऐसा कमाल के चेहरे से पर्दा हटा ना सका देख कर तेरा चला, कि वो अपने चेहरे से पर्दा नहीं हटाता था, क्योंकि वो उसका जो जलाल था, जाहो जलाल था, वो उसमें देखने की हिम्मत ही नहीं थी, और वो पर्दा एहसास के मुंह पर रहता था कि
क्योंकि उसके मुंह पर खुदा का नूर जो था उस पर जब छाया तो वो सारा नूर उसके मुंह पर आ गया। तो इसलिए वो लोगों के सामने भी वो अपना जो पर्दा था वो नहीं हटाता था कि वो लोग उस नूर को भी देख नहीं सकते थे, इसलिए वो अपने चेहरे पर पर्दा रखता था हर वक्त, क्योंकि खुदा का नूर उसने देखा और खुदा का नूर उसके चेहरे पर हर वक्त मौजूद रहता था। बहुत खूबसूरत गिल साहब। तो उसके बाद जॉयस मेहर, बहुत अच्छी पास्टर, क्या बात है। उसने लिखा है हर एक तवक्को को पूरा करने की कोशिश, पूरा करने की कोशिश करना बिल्कुल ऐसा ही जब पूरे समंदर को खाली करना है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि हम हर वक्त जो भी ख्वाहिश करें वो पूरा कर पूरा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही जैसे पूरे समंदर को खाली करने की बात है कि हम हर वक्त ये नहीं, कुछ वक्त लगता है किसी बात के लिए। आप खुदा के सामने भी जाते हैं तो रोज आपको जाना पड़ता है, वो उसकी मर्जी है कि कब उसने अपना फजल हमारे ऊपर करना है और हमारी दुआ को सुनना है। उसके बाद मेरी बहन राहत अफ्सा इटली में है, बहुत अच्छी इन्होंने लिखा है, सरे महफिल जो बोलू तो जमाने को खटकता है, खटकता हूँ, सरे महफिल जो लिखू तो जमाने को खटकता हूँ, रहूं मैं चुप तो अंदर की बगावत मार देती है। मेरा गीत है, सोचा दी मैयत नू लेके हुण किथे मैं जावांगा, जे बोला ते मार देंगे, सच बोलांगा ते लोकी मैनू मार देंगे, ना बोला ते मर जावांगा, जे मैं सच नहीं बोलदा ते फिर मैं खुद ही परेशान होवांगा कि मैं अपने अंदर मेरा जेड़ा सच है मैंने परेशान कर रहा है। तो वही बात लिखी है, रहूं मैं चुप तो अंदर की बगावत मार देती है। तो इस वजह से सरे नफल जो तो सच बोलेंगे तो जमाने को आप बुरे लगेंगे, झूठ बोलते जाओ। जैसे कल एक मैंने राहत अफ्ता का शेर पढ़ा था कि झूठ कितना मीठा है, उसकी कुछ परवाह नहीं, झूठ को मीठा समझते हैं लोग, उसको शौक से सुनते हैं लेकिन सच को सुनना पसंद नहीं करते। इमरान सैमुअल, अगर कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें दुआ हर वक्त करनी चाहिए। कोई चीज हमारी तकदीर में लिखी है नहीं लिखी है, और सारी बातों के लिए दुआ भी कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, अजीजों के लिए, बुजुर्ग माँ बाप के लिए। तो जरूरी नहीं कि हमें जो चीज चाहिए हमें उसके लिए ही दुआ करनी चाहिए। ये तो मतलब वाली बात हुई ना कि जब मतलब पड़ा तो कुंडा खड़का दिया, तो जब मतलब पूरा आ गया तो फिर तू कौन मैं जान। लेकिन खुदा ऐसा, खुदा के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला है। तो तकदीर जरूरी करनी जरूर करनी चाहिए क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं, बिल्कुल, जो तकदीर लिखता है, जो किस्मत लिखता है, जो आपको जब इस जिंदों की जमीन पर आ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, वो आपकी किस्मत भी साथ ही आ जाती है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं फिर आपको इन सारी बातों का पता चलता है कि मेरे लिए तो खुदा ने शुरू से ही मेरे सारे प्रोग्राम मेरे लिए तैयार थे, आके हमने उस पर कैसे चलना है। तकदीर तो बनानी पड़ती है ना, खुदा ने तो तकदीर लिख दी, जहन भी दे दिया, हमें हर चीज मुकम्मल दे दी, अब इसको इस्तेमाल करना वो हमारा काम है। अगर हम झूठ सीखेंगे तो झूठ सीखते जाएंगे, अगर सच सीखेंगे तो फिर बड़ी दिलेरी के साथ हमें जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो तकदीर लिखने वाला जो है वो बेबस नहीं, वो खालक और मालिक है। आगे यूनस फ्रांसिस साहब, बहुत अच्छा, पता नहीं यूनस सोत्रा है, यहाँ यूनस फ्रांसिस लिखा है, दुनिया में ऐसा कोई मसीहा नहीं देखा, बहुत अच्छे, दुनिया में ऐसा कोई मसीहा नहीं देखा
मौत को मात दे दे, कोई ऐसा नहीं देखा। कोई भी खुदाम जी यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर तक मौत तक कोई ऐसा मसीहा नहीं आया। ठीक है, खुदा के नबी बहुत कुछ आए, वो खुदा के कहने पर सब कुछ करते थे, लेकिन जो खुदा के बेटे ने किया, जो मसीहा ने किया, जो मौत से उसने किए, वो कोई नहीं कर सकता। आज तक जो मुर्दे जिंदा करता था, वो अंधों को आंखें देता था, वो जन्म जन्म के बहरों के कान खोलता था, वो कोढ़ियों को शफा देता था, बदरुओं को निकालता था, बीमारों को शफा देता था, वो सिर्फ वो देता था। अगर आज भी लोग कहते हैं कि मौजे होते हैं, तो हम उसका नाम लेकर करते हैं। मैं भी दुआ करता है, खुदा बाप जी मेरे कान ठीक करते, ये मांगता हूँ तेरे प्यारे और जलाली नाम से, या वो खुदा से मांगते, खुदा बाप जी मुझे ठीक कर दे, ये मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से। तो हम जो भी मांगते हैं उसके वसीले से मांगते हैं, या उससे कहते हैं कि मुझे ठीक कर दे, मेरा पुख्ता ईमान है कि तू ठीक कर सकता है। आज भी कितने शायरों के आप देखे कि मसीह का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से, या जैसे आज का मुल्की हालात खराब है, तो अक्सर दुआ में कहते हैं खुदा बाप जी को ऐसा मसीहा भेज ताकि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो ठीक हो जाए। तो यही है कि ऐसा कोई मसीहा दुनिया में नहीं आया, मौत को मात देकर, कोई मौत को मात दे कोई ऐसा नहीं देखा किसी ने भी। जब इंसान इस दुनिया से कूच कर जाता है, तो वो अगर यीशु मसीह हो तो, अगर उसकी मर्जी तो जिंदा हो सकता, उसकी मर्जी से खुद कोई जिंदा नहीं हो सकता। अपनों के लिए जान देते हैं सभी, ठीक है। देखो आज हम सब अपने बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, बहनों के लिए कितना कुछ परेशान होते हैं। हम कहते हैं कि हमारा खून ले लो, हमारी जान ले लो, इसको बचा लो। हम अपनों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गैरों के लिए कोई मरने वाला नहीं देखा। गैरों के लिए अगर कोई मरा था तो वो यीशु मसीह मरा था, खुदा का बेटा, जो कुंवारी माँ मरियम से पैदा हुआ और आज भी वो जिंदा है, क्योंकि वो असल से था, कलमा मजस्सम हुआ, वो इस दुनिया में कलमा मजस्सम हुआ था, माँ मरियम के पेट में गया रोहल कुदस की कुदरत के वसीले। बहुत अच्छे यूनुस साहब, आपने गुजरे हैं बहुत दुनिया में चारा घर, लेकिन गुजरे हैं बहुत दुनिया में चारा घर, लेकिन मुर्दों को कोई जिकाने, मुर्दों को कोई जिगाए, कोई ऐसा नहीं देखा। बहुत सारे चारा घर, बहुत सारे अपने आप को नबी कह रहे हैं, आजकल भी फेसबुक पे कई कुछ, कोई मेहदी कहता है, मैं दूसरे मजहबों के लोग भी कि मैं फलाना नबी हूँ, मैं मिर्जा हूँ, मैं फलाना आ गया हूँ, लेकिन ये सब झूठ की बातें हैं। अपनों बहुत सारे नबी गुजरे, पीर फकीर कितने काम कर रहे, लेकिन मुर्दों को कोई जगा सकता है तो वो सिर्फ यीशु मसीह जगा सकता है, और उसने जगाया। उसने जब आज भी हम उससे दुआ करते हैं बीमारों के लिए, अपने लिए, शफा के लिए, है खुदा मैं इस लायक नहीं हूं, तो मेरे आज, लेकिन कह ही दे तो मैं शफा पा जाऊंगा, तू कह ही दे तो मैं मेरी जिंदगी भर के गलतियां गुनाह माफ हो सकते, तू कह ही दे तो मेरी जो भी मुश्किल है वो हल हो सकती है। आज भी हम जब चर्च जाते हैं तो ये अल्फाज फिर आते हैं, जब खुदा जो फादर है वो पाकमास करवा रहा तो वो कहता है, तो फिर हम कहते हैं कि आए खुदा मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे आए, लेकिन कह ही दे, तू ऊपर से बैठा भी, तू अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है, ऊपर से कह ही दे तो मैं शफा पा जाऊंगा, मेरी जिंदगी भर की गलतियां गुनाह माफ हो जाएंगे। उसके बाद गलतियों को माफ करने वाले हैं बहुत, लिखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन दुनियावी तौर पर इतनी जल्दी कोई नहीं माफ करता। गलतियों को माफ करने वाले बहुत हैं, गुनाहों को मिटाने वाला कोई ऐसा नहीं।
बिल्कुल वो मौजा याद है कि जब खुदा यीशु मसीह किसी जगह पर किसी कमरे में तो दुआ कर रहे थे या लोग उनके पास जमा थे, इतने रास्ता मौजे हो रहे थे, तो कोई जो कोई बहुत बीमार था तो वो आप उस वाक्य को सब जानते हैं, तो अंदर नहीं आ सके, उन्होंने छत खोल के उसको अंदर कर दिया। तो उसने कहा ये ऐसा ईमान मैंने नहीं देखा, और उसे कहा व्हाट चल तेरे नाम माफ हुए। तो जो फकीर फरीसियां जो थे उन्होंने इस चीज पे बहुत इतराज किया कि ये कौन है, ये कैसे, गुनाह तो सिर्फ खुदा बाप माफ कर सकते, ये कैसे। तो उसने कहा इब्ने आदम को भी गुनाह माफ करने का इख्तियार है इस दुनिया में, या ये कहना बेहतर है कि चारपाई उठ ले के चल, या ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए। तो वो जो भी बीमार था कितना भी, वो खुदा इकदम यीशु मसीह ने उसको शफा दे दी, वो चारपाई उठा के चला गया। गुनाहों को मिटाने वाला कोई ऐसा नहीं, कोई नहीं, जितने मर्जी हम करें, सब कुछ करें, क्या कुछ नहीं हम कर रहे, तो लेकिन जो गुनाहों को माफ कर सकता है सिर्फ खुदा का बेटा नाम यीशु मसीह मनजी दो आलम कर सकता है। तिरगी में दीप जला सकते हैं सभी, बहुत अच्छे फ्रांसिस साहब, तिरगी में दिलीप दीप जला सकते हैं, अंधेरे को मिटाने वाला कोई ऐसा नहीं देखा। हम अंधेरों में दीप दिए जला सकते हैं, हर किस्म की आजकल तो बड़ी से बड़ी लाइटें जो मस्नूई तौर पर हम जला सकते हैं, लेकिन जो अंधेरा खत्म कर सकता है वो सिर्फ खुदा यीशु मसीह, क्योंकि वो नूर है, वो दुनिया का नूर है। तो नूर तो बहुत बड़ी रोशनी, वो नूर जैसे पहले गल साहब ने वो दो शेर कहे थे, तो तूरे तजली में दिखाया तूने मूसा को ऐसा कमाल, चेहरे से पर्दा हटा ना सका देखकर तेरा जला। वो नूर जो खुदा का नूर वहां पर मौजूद हुआ तो वो देख नहीं सका, बर्दाश्त नहीं कर सकता था, हिम्मत नहीं थी उस नूर को देखने की। तो ये जो नूर है ना, तेरी अंधेरे को मिटाने कोई ऐसा नहीं, तीरगी में दीप, तो नूर रोशनी खुदा का नूर, खुदा के बेटे का नूर, वो सबसे बड़ा नूर है। तो जैसे वो अंधेरे को मिटा सकता है और कोई नहीं मिटा सकता, दुनिया में ऐसा कोई मसीहा नहीं देखा मौत को मात दे दे, ऐसा कोई नहीं देखा। बहुत अच्छे फ्रांसिस साहब, यूनस फ्रांसिस साहब, उसके बाद शहजाद गिल, बहुत अच्छे दो शेर डाले उन्होंने, तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना, तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना, जमीर बेचकर दुनिया में नाम मत करना। बिल्कुल हम जमीर बेच जाते हैं, हम बेजमीरे हो जाते हैं बहुत सारी बातों में। शहजाद गिल कहता है कि अपने दिल की हवस के गुलाम ना हो, खुदा के कलाम की हवस करे, खुदा से मांगे, हम दूसरों के सामने अपना जमीर क्यों बेचे। तो जैसे अक्सर दुनिया और ये तो बेजमीर है बंदा, यार इसकी क्या बात करते हो, ये आज इधर है कुछ कह देगा कुछ, ये है बेजमीरी। तो हमें हवस की खातर, लालच की खातर, तमे की खातर जमीर को नहीं बेचना चाहिए, इससे अच्छी बात नहीं। दुनियावी तौर पर हम बहुत बुरे बन जाते हैं, किसी छत से गिरो तो कोई बात नहीं, किसी छत से गिरो तो कोई बात नहीं, किसी निगाह से गिरना, गिरने का काम मत करना, क्योंकि जब आप निगाह से गिर जाते हो फिर आप दोबारा दुनिया में लोगों में वो मकाम नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि फिर दुनिया को पता ये तो ऐसे काम करता ही रहता है, झूठ और मुनाफिक के बेजमीरे काम करता रहता है, तो आप दुनिया की नजरों से गिर जाते हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम नजरों से गिरते हैं उस खाल के हकीकी की नजरों में गिरते हैं, और वो हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। उसके बाद रोनी पाल लिखते हैं, इंसान मर जाए लेकिन कभी
उन हारों पर भरोसा ना करे जो किसी की कई बार उसकी बुनियादों को हिला चुका। बिल्कुल, हम इंसान मर जाए मतलब ये वो है, गैरत की बात है, अना की बात है, सच्ची वो तो हर आदमी मैं अना रखता है, लेकिन ये वो बात है कि कभी जिस आदमी ने आपको ठोकर दी, जिस आदमी ने आपको कभी जिंदगी में धोखा दिया, दोबारा उस पर भरोसा नहीं करो, क्योंकि उसकी बुनियादों भरोसा ना करें, क्योंकि जो कई बार उसकी बुनियादों को हिला चुका है। झूठे आदमी से, मुनाफिक आदमी से बार बार भरोसा नहीं करें, जो आपका एतबार तोड़ चुका है। बहुत अच्छे, तो इसके बाद वो दो शेर है उसके, दूसरी रोनी पाल के, बड़ी तपश है ये अपने गुनाहों में, बड़ी तपश है ये अपने गुनाहों में, शहर का मौसम खुशगवार नहीं होता, शहर का मौसम खुशगवार नहीं होता, दिन भर करते हैं तन नफरतें इंसान से। बहुत अच्छा शेर है, दिन भर नफरतें करते हैं इंसान से और कहते हैं राजी परवरदगार नहीं होता। भी परवर हम जब उसके पैदा किए हुए इंसान को, जिसने उसने अपनी शक्ल पर बनाया, जिसने उसने अपनी रूह फेंक दी, तो हम उस इंसान से सारा दिन नफरत करते हैं, उसके मुखालफतें करते रहते हैं, क्या कुछ नहीं करते, जो भी बस चलते हैं हम उसको गिराने के लिए, उसकी इज्जत पर क्या क्या दाग लगाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब शाम होती तो कहते हैं कि खुदा बत राजी नहीं होता, परवरदिगार राजी नहीं, तो कैसे राजी होगा भाई, जब हम उसको खुश करने वाले की बातें नहीं करते, हम उसके पैदा किए हुए बंदों की हम बुराइयां करते रहते हैं, तो वो परवरदिगार कैसे खुश होगा। बड़ी तपश है ये अपने गुनाहों की, शहर का मौसम खुशगवार नहीं होता। बहुत बड़ी तपश, बहुत बड़ी गर्मी है गुनाहों की, जिसकी वजह से जो शहर का मौसम है, हमारे मोहल्ले का मौसम है, हमारी कौम का मौसम है, वो कभी भी खुशगवार नहीं हो सकता। उसके बाद ये जो लिखने वाले हैं, पता नहीं अक्सर वो ऐसी पोस्टें लिखता है रोनी पाल, जिसके आखिर में लिखा होता है सरदार जी। तो उसके बाद है मौना नदीम, बुजुर्गों से सुना है, बुजुर्गों से सुना है कि अगर सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल गई है उसका यकीन नहीं करना, मत करना। अब आदत बदल सकती है, फितरत नहीं, ये प्रवीण शाकर के लफ्ज है। तो बहुत अच्छा, बुजुर्गों से सुना कि अगर सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो यकीन कर लेना। बिल्कुल, मतलब अगर वो कहते हैं ये पहाड़, ये तो खुदा यीशु मसीह की भी बात है, पहाड़ हिल गया तो ये मान लेना, लेकिन मगर किसी की फितरत बदल गई है उसका यकीन मत करना। आदत बदल सकती, फितरत नहीं, जैसे सांप है, आप जरिए पंजाबी चाहते चुलियां दुध पिलाओ, लेकिन वो सप कभी सप्पा दे मित्र कभी पुत्र नहीं हो सकते, क्योंकि सप की फितरत है उन्हें डंग मारना ही मारना है। इस वजह से हमें ऐसे लोगों से जिनकी फितरत नहीं बदल सकती, बिल्कुल आप जो मर्जी करते रहे, आप देखे अपने इर्द गिर्द के कभी भी जो आपने उसको शुरू से देखा है, जो उसकी फितरत बन गई है, अगर उसकी फितरत में अच्छाई है तो वो अच्छाई करता ही रहे, तो उसकी फितरत में शामिल है। चूंकि इंसान की फितरत ही घर से, स्कूल से, बहुत सारी बातों से बनती है, अगर उसकी फितरत में अच्छाई आ गई है तो वो फितरत ठीक रहेगी, अगर बुराई है तो वो नहीं बदल सकता, वो बुराई करता ही चला जाएगा, क्योंकि ये उसकी फितरत में शामिल है। आम आदमी की बहुत खूबसूरत पोस्ट, कितने खूबसूरत होते थे वो दिन जब सिर्फ दो उंगलियां जोड़ने से सुलह हो जाती थी, सुलह हो गई।
वो क्या कहते थे, कुटी होगी या पता नहीं, ऐसे बच्चे भी करते थे, तो जब दोस्ती को जोड़ते थे, चलो अभी सुलह होगी। वो वक्त था प्यार मोहब्बत का, सच्चाई का, एक बहुत अच्छा दौर था। तो वही लिखते हैं, कितने खूबसूरत होते थे वो दिन जब सिर्फ उंगलियां जोड़ने से ही सुलह हो जाया करती थी और दिल साफ हो जाया करते थे। और अब तो तौबा गले मिलने के बाद भी मुनाफ़त नहीं जाती। अब वक्ती तौर पर मैंने कह दिया आपने, या छोड़ो यारे झगड़े में, छोड़ो पर की पस मसला, गले तो हम मेरे कहने से या किसी के कहने से मिल लिया, लेकिन दिल की जो जो दिल में बात बैठ गई है, जो नफरत बैठ गई है, वो कभी नहीं चाहती। हम गले मिलते यार चल छड़, कोई गल नहीं, लेकिन साढ़े दिल छो मुनाफ़त, झूठ नफरत तो कभी नहीं जा सकती। उसके बाद शम्स तबरेज़ शमी तो खलस करते, शमी मेरे दोस्त भाई आदमी में है तो बहुत बहुत अच्छे काम करते हैं। आशा के नाम से उनकी तंजीम भी है जो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, तो शायर भी हैं पंजाबी, मैंने कई बार पढ़ा है उनको। आज भी उनकी पंजाबी एक नज़म बहुत खूबसूरत, अगर मैं होता तो मैं इसको जेरी धमाल कहते ना, उस किस्म की नज़म है उन्होंने दी। ए दम तेरा दम, ए दम तेरा दम, क्योंकि दम जेड़ा सा जेड़ा होता है, वो बैठा बैठा ओदा दिल करे चल बई आ जा सामोगे ते चले गए, ते ए दम ए तेरा दम, तेरा जिक्र करे, तेरा जिक्र करे हर दम, बिल्कुल हंसी हर दम हर वक्त ओदा जिक्र करने हैं जिथे तेरा करम होवे। क्या बात है शमी साहब, क्या बात है, जिथे तेरा करम होवे कोई दुख ना रहे ना गम, बिल्कुल जिथे ओदा करम हो जाए, जिथे ओदी मेहरबानी हो जाए, जिथे ओदा फजल हो जाए, फिर कोई दुख कोई गम नहीं रहिंदा, चूंकि ओदा दम साडे दम चे, ते ओ इस करके साडी हर गल नूं सुनण लई तैयार हुंदा। बहुत अच्छा शेर है, ए दम ए तेरा दम, सारा कुछ ओदा एकदम नहीं, हर शय ही ओदी है। मैं अमी नारे मां मेरा घर है, मेरे कोई नहीं है गड्डिया ने फलाना, ये मेरा दुनियावी तौर ते मेरा जरूर है, लेकिन दिता उन्हें सब कुछ। ये दम तेरा जिक्र करा हर दम, जिथे तेरा करम होए कोई दुख रहे ना गम। शमी साहब बहुत पंजाबी अच्छी लिखी है। शेर शिकार दी तलाश विच, बिल्कुल जदों शेर नूं भुख लगी हुंदी ते शिकार ते निकलदा सी, भी इंसान भी सुबह उठने पता है भी बच्चे ने या शाम नूं रोटी लई कुछ करके उछ लियाना है, तो इसे तरह शेर दा भी जंगल दा बादशाह उहनूं भी भुख लगदी है, जानवरां नूं भी। तो शेर शिकार दी तलाश विच ओ भुखा मारे ताड़ा, बिल्कुल वो भुखा ताड़ा मारता ताड़ा, जिस तरह बच्चा रोंदा मां दी दुध पियाने दी जरूरत, ते बच्चा मां अपने कम्मा च लगी वो वेखदा ना वे बच्चा मेरी वल तवज्जो नहीं, फिर वो रोंदा ताड़ा मारदा है, ते मां नस के आके चुक लेंदी है, उन्हें दुध देंदी है। इसे तरह शेर नु जदों भुख लगदी है ताड़ा मारदा है, मिन्नू आस होवे तेरी, मिन्नू आस होवे तेरी, तेरी मैनू आस होवे तेरी, ओदा रिजक होवे ना कम, अगर सानू ओदी आस उम्मीद ते ओ किसे चीज की कमी नहीं आने देता। परिंदिया नु वेख लो वो केड़े साडे वांगू काम कर, लेकिन सुबह उठ दे जाहिर है उन्हां दा काम ते दाणा चुगना इधर उधर जाना, लेकिन शाम नूं भुखे नहीं मरदे। अक्सर एक बार लिखी हो एक गल लिखी होंगी कि जदों परिंदे शाम नूं वापस अपने घोंसलियां च या जगह ते जांदे, उन्हां दे मुंह च कोई दाणा नहीं हुंदा, क्योंकि वो रिजक खुदा ने उन्हां नूं देना है, वो फिर सुबह उठदे ने। ते लेकिन असी इंसान, असी लालची बहुत ज्यादा, असी लालच करते रहने
कि पता नहीं सवेरे साढ़े नाल की होना है। तो ये साडा जेड़ी ईमान मजबूत नहीं, शेर शिकार शिकार दी तलाश विच ओ भुखा भुखा मारे दाणा, मैनू आस होवे तेरी ओदा रिजक होवे ना कम। बिलकुल, अगर असी ओदी आस रखने तो ओदा रिजक कम नहीं हो सकदा। हनेरियां पावन हनेरियां, हनेरियां पावन हनेरियां, भावे समुंदर चाड़न चार, मतलब अंधेरियां किन्नियां मर्जी आउण, हनेरा पाउण जिस तरह मर्जी करे, समुंदर जिन्ना मर्जी चढ़ जावे, जिन्ना मर्जी उच्चियां लहरां मारे, जिते हुक्म होवे तेरा, वाह, जिते हुक्म होवे तेरा उत्थे तफान भी जावेगा, जिथे तेरा हुक्म होवे उत्थे तफान भी थम जावेगा। किड्डा वड्डा तफान, किड्डी वड्डी सुनामी आ जावे, लेकिन वो रोक देता है, ओदा हुक्म होवे। पिछले हफ्ते सुनामी इंडोनेशिया च के मलेशिया च आई है, किन्नी तबाही हो गई दुनिया च, किते ना किते पासे जल्दी सुनामियां आंदियां रहिंदियां, लेकिन अगर वो रोकना चाहे वो रोक देता है। लेकिन कोई ना कोई तो वजह है ना कि सारा कुछ हुंदा साडी जिंदगी दे विच। बहुत अच्छा है, नेरियां हनेरी हनेर पावन हनेरिया, हनेर पावन हनेरिया, पावे समुंदर चाड़न चन, जिते हुक्म होवे तेरा उथे तफान चावे। बिल्कुल, बहुत अच्छे शमी साहब। असी जदों कुंडा खड़काइए, वाह पंजाबी बहुत अच्छी लिखी, असी जदों कुंडा खड़काइए तो सिर सिर ते आन खलोवे, असि जदों भी तेरे कोलो मंगने कुंडा खड़काने फौरन हाजिर हो जाना है, तू आ जाना है, जो सानू जरूरत पूरी करना वे, जिथे असी जदों कुंडा खड़काए तू सिर ते आन खलोना है, तेरे इश्क ने बख्शिया, तेरे इश्क ने बख्शिया सानू रूह पा के लंदा, तेरे रूह ने तेरे इश्क साडे इश्क ने सानू रूह इश्क खुदा दे नाल, जिहड़ा इश्क अगर सच्चा इश्क खुदा दे नाल करिए तो सानू रूह बख्श दिता है, साडी ताकत सानू एड्डी वड्डी रूह दी ताकत मिल जांदी है कि असीं बोलण तो गाउण तो शायरी करन तो इह सारियां खुदा दीआं नेमतां ने, ते साडे अंदर च ओहदी रूह दी ताकत हुंदी है कि सारियां कुवतां सानू मिल जांदियां जे अगर असीं सच्चे ईमान दे नाल सब कुछ करिए। असी जदों कुंडा खड़काया तू सिर सिर ते आन खलोए, तेरा इश्क ने बख्शिया, तेरे इश्क ने बख्शिया सानू रूप दा इलम, तेरे रूप साडे को जो इलम ने, तेरे रूप की मेहरबानी, रूप की मेहरबानी ने, ए दम तेरा दम, वाह, ए दम तेरा दम, तेरा जिक्र करा हर दम, जिथे तेरा करम होवे, बाजीवा जिथे तेरा करम होवे, कोई दुख ना रहे ना गम। आखिरी बात शहजाद गिल की, अगर आप मुझ में कोई ऐब देखे, ये बहुत बड़ी बात है, अक्सर मैं अपने शो में इसका जिक्र करता रहता हूं, अगर आप मुझ में कोई ऐब देखे तो मुझे मुझे ही कहें, किसी और से नहीं, क्योंकि उसे मैंने बदलना है, किसी और ने नहीं। आप किसी और को मेरा आप बताएंगे तो फिर वो 10 आदमियों को जहां भी जाएगा, यार ये गिल साहब ने आया, ये फलाने ने। लेकिन अगर मैं अक्सर कहता हूं अपने शो में, अपने दोस्तों में, को मेरे खिलाफ बात करता है, आप तक पहुंचाता है, तो आप नाराज हो जाते हैं, आप ये नहीं पूछते कि गिल साहब ने ये कहा दिया कि नहीं कहा, तो हमने किसी की बात में मान ली और उसके साथ नाराज हो गए, और ऐसे नाराज हुए कि पता नहीं कौन सा जुर्म गिल साहब ने कर दिया। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, दुनियावी तौर पर हम ऐसा करते हैं, सबके साथ ऐसा आता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी मुझसे कुछ शिकायत है कि मैंने बुराई किया, मेरे पास है भाई ये काम आपने गलत किया, तो फिर मैं आपको सेटिस्फाई कर दूंगा, सफाई दे दूंगा, भाई मैंने नहीं किया, आपको किसी ने गलत किया है। तो आज का शो सच्ची और अच्छी बातें
खुदा करे आपको पसंद आए, पसंद तो आता है। बहुत सारी गलतियां तलफ़्ज़ की मेरी जुबान में होती है, चूंकि काफी प्रॉब्लम है मेरे साथ गले में कानों की वजह से, लेकिन फिर भी उसका शुक्र अदा करता हूँ, उसकी मेहरबानी का शुक्र करता हूँ। तो फिर इसलिए कि सानू रूह पाक तैले में कि उन्हें सानू ये ताकत दीती है, मैनू ताकत दीती है कि मैं तुम्हारे सामने जो कुछ भी टूटे टूटे अल्फाज ना शो करना, तुसी उन्हें पसंद करते खिलाफ बहुत बरकत दे, बहुत बरकत और फजलों से नवाजे। कभी भी किसी भी चीज की आपके घरों में आपके बच्चों में किसी भी चीज की कमी ना आने दे। जैसे शमी साहब ने कहा कि शेर धारा मारना है सब कुछ, लेकिन वो देखता है ऊपर के किसको क्या चाहिए कितना चाहिए, उस हिसाब से वो दे देता है। तो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। जीसस पाकिस्तान जिंदाबाद, जीसस लिंक टीवी जिंदाबाद। अभी